अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सिलवासा का सफ़र शुरू कर चुके हैं। कल ही आपको बताया गया था कि हम सिलवासा की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम हज़रत अब्बास के रोज़े से यहाँ से कदम बढ़ाएंगे और दुआ गो है कि हम सब सही सलामत पहुँच जाएँ और आप सबको मौला रोज मौला अब्बास मौला हुसैन और जनाब सकीना की ज़ियारत से नसीब करेंगे।
जहाँ की मैं किस्मत बनाने चला हूँ। सुनो अर्श वालो, सुनो अर्श वालो, नज़ारा है। ये सब फुलवारियाँ हैं यहाँ पर, ये सब खूबसूरती है यहाँ की। ये इस कोने से लेकर स्टार्ट है और लास्ट ये पूरा राउंड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरती से इस रोज़े को तैयार किया गया है और काफ़ी मेहनत कर कर और काफ़ी टाइम में इस रोज़े को तामीर किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं गुंबद का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये गुंबद है पूरी और इसके बाजू से नीचे की साइड से आप अगर आएंगे तो स्टे है। यहाँ से स्टे से एक एंट्री गेट बनाया गया है जो कि मेन गेट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ खसूस मौजू पर खोला जाता है इसको, जैसे मुहर्रम या कोई प्रोग्राम हो यहाँ पर, जब भी इसको खोला जाता है। आप देख सकते हैं मीनार लगभग इसकी हाइट मैक्सिमम 70 फीट है और बहुत ऊंचाई तक इसको बनाया गया है। लास्ट में इसके आप देखिए ऊपर सब गोल्डन कलर है, बहुत ही खूबसूरत कलर यहाँ पर। और उसके नीचे आप देख सकते हैं आयतें हैं और उससे नीचे आप आएंगे नीचे से तो फिर यहाँ पे एक पोजीशन है। यहाँ पे ये सब फुलवारियाँ हैं नीचे की साइड पे। यहाँ से जो गेट है, यहाँ मतलब एंट्री जो करते हैं, यहाँ से लेडीज़ का है सब। ये आप देख सकते हैं, ये साइड से लेडीज़ के जाने का है।
यहाँ से आप आगे चलेंगे, आगे की जानिब जब चलेंगे आप तो इस खूबसूरत फुलवारियाँ यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और यहाँ से भी एक मतलब गेट दिया गया है यहाँ से, तो यहाँ से जाने के बाद मतलब ये तो जो है वज़ू के लिए है रास्ता, यहाँ पे लेडीज़ का वज़ू का है जाने का, यहाँ से वज़ू कर सकते हैं लेडीज़। और आप जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते रहेंगे, आगे की जानिब जाएंगे, ये सब रोज़े का नज़ारा है, आप देख सकते हैं आयतें लिखी हुई हैं, ये विंडोज़ है, बहुत खूबसूरती से यहाँ पर काम किया गया है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे थोड़ा सा तो ये थोड़ा आगे जाकर ये यहाँ से गेट आएगा, यहाँ पर गेट है, यहाँ से लेडीज़ की एंट्री है, यहाँ से लेडीज़ एंट्री करेंगी और इसकी बैक साइड में जेंट्स का है, ये लेडीज़ का है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से एक स्टे है, ये लेडीज़ की जाने का रास्ता है। और इसके स्टे के बाद आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से आप देखिए ये सब झूमर और ये सब जितनी भी खूबसूरतियाँ हैं इसके अंदर आपको नज़र आ रही हैं, ये भी जितनी भी लाइट्स हैं, लाइट्स का बहुत ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर विंडोज़ बनाई गई हैं, रोज़े को अच्छे से अच्छा बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर यूजिंग हर सामान एकदम सेट किया गया है यहाँ पर। और ये छोटी विंडो है, एक बड़ी विंडो है, बड़ी विंडो है, उसके ऊपर आयतें हैं यहाँ पर लिखी हुई है, आयत आप पढ़ सकते हैं, सामने देख सकते हैं आप। और इससे हम तो नीचे आएंगे, नीचे की साइड पे आने के बाद ये नीचे एक अज़ा खाने का पोजीशन दिया गया है। और उसके बाद मतलब इसी में नीचे आप नमाज का भी एक हुजरा है जहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ये देखिए सब दिए जलाने का यहाँ पर सब ये रखा हुआ है सामान, यहाँ पर सब चिराग होता है जो मौला हुसैन के नाम से जलाया जाता है, मौला अब्बास के नाम से जलाया जाता है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है। और अब यहाँ से हम चलते रहेंगे, ये सीधे चलेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा मतलब लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो यहाँ से जेंट्स एंट्री है, ये देख सकते हैं आप गेट, ये सब जेंट्स का गेट है, मतलब यहाँ से एंट्री जो करते हैं देखिए आप, यहाँ पे आपको दिख सकता है ये जो रोज़ा है मुबारक है इसमें कितनी खूबसूरती से काम किया गया है, नए नए कलर के मतलब यहाँ पे सब शीशे लगे हुए हैं, बहुत ही बारीकी का काम है ये अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आप देखेंगे आगे की साइड, ये सब झूमर का काम हुआ हुआ है और ये जितने भी डिज़ाइन हैं आपको दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। ये सब झूमर है, पहला झूमर है, उसके आगे फिर ऊपर चलेंगे थोड़ा सा स्टे है, स्टे के बाद आप ऊपर जाएँगे और जाने की जाने
भाई, आपने काफ़ी हमें बेहतरीन जानकारी दी इस रोज़े के तामीर के लेके, तमाम बातें बताई, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोज़े को जब आपने बनाया और काफ़ी लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन ज़्यारतों के लिए आ रहे हैं, तो उनकी खिदमत के लिए जितने खादिम आपने मुअय्यन किए हैं, जितने खादिम हैं, वो तमाम खादिम किस तरह से यहाँ खिदमत करते हैं? जैसे अब जो भी आता है तकरीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता तय करते हुए या फुल नाइट का सफ़र तय करते हुए आता है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम हैं? लेडीज़ जेंट्स सब अपने घर से आते हैं यहाँ सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए आते हैं, और यहाँ हमारे लेडीज़ की तादाद 25 है और जेंट्स की तादाद 15 है, ये 40 लोग मिलके सब हम ज़ायरीन की सेवा करते हैं और खिदमत करते हैं। और ताकि ये रोज़ाना जैसे वो आते हैं तो उनके लिए दोपहर का खाने का इंतज़ाम होता है, वो भी कहाँ की कौन करता है? वो जो इंतज़ाम करते हैं वो यहाँ के जो रहने वाले हैं जहाँ यहाँ पर, वो लोग करते हैं कि जो यहाँ की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसमें से कोई इंतज़ाम किया जाता है? यह हमारे सिलवास मेंबर के वॉलेंटियर में से सबसे हमारे हेड है रज्जाक भाई करके, वो सब यहाँ इंतज़ाम करते हैं। नियाज़े हुसैन का जब 25-30 लोग आते हैं तो पैकेट मंगा खिला देते हैं, और बाकी जब 200-300 लोग आते हैं तो हम आलीशान खिलाते हैं सब। अच्छा, यानी ऐसा कॉल करके इन्फॉर्म कर दे आपको कि हम इतने लोग आ रहे हैं, ताकि उनके इंतजाम आप खुद कर लेते हैं? और यहाँ पर ऐसी और कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अगर किसी को एक रात स्टे करना हो तो उसके लिए आप क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं? अभी तो कोई ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं किया है, अभी तो यहाँ होटल प्लाजा करके वहाँ सब रुकते हैं, बाकी कोई मुसाफिर खाना अभी तक बना नहीं है, इंशाल्लाह बन जाएगा, फिर ज़रूर हम उसमें और खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। खुदा आपको ऐसी तौफीकात से नवाजते रहे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोहम्मद अब्बास भाई भी और इनके तमाम ग्रुप मेम्बर्स भी जिस तरह से खिदमत अंजाम देते चले जा रहे हैं, दुआ यही रहेंगी। और आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो हमने अभी यहाँ पर जब आए, हमने तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ज़ायर को लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और मौला रजा के इमाम हुसैन के करबला रोजे के लिए भेजा जाएगा, तो आप उस पर कोई रोशनी डालेंगे कि किस तरह से आपने ड्रॉ रखा है और हम लोग किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये हमने ड्रॉ रखा है, ये 100 रुपये का उसका हदिया रखा है जी। और एक जो पांच ड्रॉ निकलेंगे टोटल, और जो भी जिसका भी नाम निकलेगा उसको इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत करबला की हम वहाँ भेजेंगे उन लोगों को, और टोटल हमने 10,000 टिकट बनाई है, और बाकी का जो पैसा रहता है वो हम नियाज़े हुसैन में उसका इस्तेमाल करेंगे। यानी आप कहना चाहते हैं कि 100 रुपीज़ पे करें और टिकट ले, जिसमें जिसका लकी नंबर आएगा वो इंशाल्लाह ज़ियारत करबला के लिए जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये खिदमत अंजाम देते चले जाते, दुआ यही रहेगी कि परवरदिगार आलम इनकी तौफीकात में और इजाफा करे और खुदावंद आलम इसी तरह से इस रोज़े को और बुलंदी अता फरमाए और यहाँ पर भी ज़ायरीन आते रहे। और हमारी यही दुआ रहेगी कि परवरदिगार हम सबको भी ज़मीन करबला की ज़ियारत का भी शरफ भी नसीब। मेरे सामने मौला हुसैन का रोज़ा है, आइए देखते हैं कि ज़री के अंदर किस तरह से मौला हुसैन की कब्र मुबारक को बनाया गया है। यह है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस ज़री के अंदर मौला हुसैन के पहलू में हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को बनाया गया है। और ये भी देखिए किस तरह से इतनी खूबसूरती से बनाया गया है जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की। आप जैसे देख रहे हैं कि अंदर वेलवेट के कपड़े पर सुनहरे रंग से या अली अकबर लिखा गया है। फिर दूसरी तरफ है जनाब, अब हम आपको ज़री के अंदर दिखाने जा रहे हैं कि जनाब अली असगर, शहजादा अली असगर की कब्र मुबारक को। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसमें भी वेलवेट के कपड़े पे सुनहरे रंग से या अली असगर लिखा हुआ है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं,
और देखते हैं कि जब पहलू में जाए शहजादा अली असगर और उनके बेटे जवान अली अकबर कब्र मुबारक है, तो सिरहानी की तरफ बीच में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र है, कुछ सैयद शहदा मजलूम करबला की कब्र मुबारक दिखा रहे हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं कि कुरान मजीद को रखा गया है और एक वेलवेट का कपड़ा है उस पर लिखा सुनहरे रंग से बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है या शहीद हुसैन। आप देख रहे हैं किस तरह से कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद शहदाए करबला की जो ज़री इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि चारों तरफ 12 इमामों के नाम लिखे गए हैं और आयतों से भी उसे सुनहरे गोल्ड कलर में उसको लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ शीशों का काम हुआ हुआ है और आयतें लिखी हुई हैं, साथ साथ बड़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे करबला मौला की तरह, जो ज़ायरीन यहाँ आता है वो यही एहसास करता है, पुरसकून महसूस करता है और अपनी परेशानियों से नजात होकर यहाँ आता है और दुआ यही करता है कि हर साल के वो दुआ करते कि हम हर साल अरबईन पे कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कि करबला मौला की ज्यारत करें। अब हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो दीवारें हैं, दिखा रहे हैं कि जो दीवारें हैं, आप देख रहे हैं कि दरवाजे पर भी एक आयत लिखी हुई है और फिर आप देखेंगे दरवाजे के ऊपर जो डिज़ाइन बनाया गया है कितनी खूबसूरती से बनाया है और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, अव्वल आखिर आला, यानी खुदा के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर सूरह की आयत लिखी हुई गई है और आप देख रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर किस तरह से खूबसूरती से डिज़ाइन को तराशा गया है और वहाँ पर भी नाम लिखे हुए हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर बोर्ड है ज़ियारत वारिसा का, यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत लिखी गई है और साथ साथ ज़ियारत अली अकबर अलैहिस्सलाम, ज़ियारत शहदाए करबला और ज़ियारत हज़रत अब्बास। ये इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ें। यहाँ कोई अब उसके बाद हम आपको हम आगे लेते हुए चलते हैं आपको कि आप देख सकते हैं किताबें रखी हुई हैं यहाँ पर और जानमाज हैं। यहाँ पर लोगों के लिए इंतज़ामात बड़ी अच्छी तरीके से की गई है कि किताबें रखी हुई जिसे ज़ियारत पढ़नी है या जिसे कुछ कोई दुआएं पढ़नी है तो वो यहाँ से किताबें लेकर दुआएं पढ़ सकता है। अब हम आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में, यहाँ गुजराती में बोर्ड है ज़ियारत वारिसा, ज़ियारत शहदाए करबला, ज़ियारत हज़रत अली अकबर, वहाँ इंग्लिश में और यहाँ पर गुजरात में। अब हम आपको इमाम हुसैन की रोज़े की ज़ियारत करवा के हम आपको सामने, बिल्कुल सामने इमाम हुसैन के रोज़े के सामने मौला अब्बास की ज़री है बाबुल हवाइज, जिन्हें कहा कई लकब मिले उन्हें, बाबुल हवाइज अलमदार अब्बास, जो पर्दे के जनाब ज़ैनब के पर्दे के मुहाफ़िज़ थे और अपनी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की प्याज बुझाने में वो जंग के लिए गए थे लेकिन उन्हें जंग की इजाज़त तो नहीं मिली थी। अब मेरे सामने जैसे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ की तरफ जनाब सकीना, शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, कहा यह जाता है मसाइब में भी आलम दीन भी बयान करते हैं और बहुत से ऐसे मौजज़ात भी हुए हैं हदीसों में भी है कि अगर अपनी हाजत को पूरी करवानी हो तो बाबुल हवाइज का सदका, जनाब बाबुल हवाइज को जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दे तो उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत भी है, ज़ियारत मौजूद है और साथ साथ यहाँ कई अलम भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं एक दो अलम ऐसे हैं जिस पर मशके सकीना दिए पड़े, अलम मुबारक मौजूद है और कई दो अलम मुबारक पे दो मशक सकीना भी हैं जिनका निशानी ये बताती हैं कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेकर आ रहे थे तो पानी खैमे तक ना पहुंच सका था, ये निशानी है मशक सकीना जो भतीजी चचा और भतीजी की मोहब्बत याद दिलाती है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं जनाब सकीना के रोज़ा, जैसा आप देख रहे हैं कि ज़री कितनी खूबसूरती से बनाई गई है, सिल्वर यानी चांदी की कलर में इसको बनाया गया और ऊपर लिखा हुआ है और देख रहे हैं आप कि ज़री के अंदर आप जब अंदर का दिखाएं कब्र मुबारक है शहजादी सकीना की, शहजादी सकीना की कब्र मुबारक है उस पर भी कुरान मजीद रखा हुआ है। फिर जिस देख रहे हैं कि वेलवेट के कपड़े पर
सुनहरे रंग से लिखा गया है या सकीना। आप देख सकते हैं कि जो लोग जो ज़ायरीन यहाँ आते हैं तो यहाँ पर जैसा इनका दिल करता है उसी तरह से यहाँ पर अपना हदिया जरी के अंदर डाल देते हैं। हाँ, आपको बाएं हाथ की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर है रोज़ा हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जी हाँ, जो कि अलमदार अब्बास बाबुल हवाई जनाब ज़ैनब के पर्दे के मुहाफ़िज थे। लेकिन बड़े उससे कहना पड़ता है कि जब हज़रत अब्बास की शानें कट चुके, जब वो शहीद हो चुके, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की रिदा लुट चुकी थी। आप देख रहे हैं कि इनके कब्र मुबारक पर भी कुरान मजीद रखा हुआ है और सुनहरे रंग से वेलवेट के कपड़े पे यहाँ लिखा है जा ज़ैनबुल कुबरा। जनाब ज़ैनब और हज़रत अब्बास बड़े ही मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, यानी मौला अब्बास के रोज़े पे दोनों भतीजी और बहन की ज़री बिल्कुल करीब में बनाई गई है ताकि ये यादगार रहे कि मौला हज़रत अब्बास और जनाब सकीना कितनी मोहब्बत, चचा भतीजी की मोहब्बत बताई गई और बहन और भाई की मोहब्बत बताई गई। इस तरह से चांदी के कलर में उसको बनाया, डिज़ाइन को बनाया गया है। उसके बाद आप देखते हुए चले कि यहाँ पर अरबी में आयत भी लिखी हुई है और साथ में ये देख रहे हैं कि अलमदार अलम मुबारक भी रखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ भी एक अलम ऐसा, दो अलम ऐसे हैं, अलम मुबारक हैं जिस पर मशके सकीना लगाई हुई है। ये पहचान बताता है कि मौला अब्बास जनाब ज़ैनब की कितनी मोहब्बत करते थे। हमने ये भी देखा जनाब सकीना के, शहज़ादी सकीना के रोज़े में जो अलम मुबारक थे उन पर भी मशके सकीना लगी हुई थी। और ये बताता है कि मौला अब्बास अपनी बहन ज़ैनब और अपनी भतीजी सकीना से कितनी मोहब्बत करते थे। दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ज़ियारत जनाब ज़ैनब जो गुजराती में लिखी हुई है और दूसरे सामने ही अपोज़िट में इंग्लिश में लिखी हुई है, तो जो ज़ायरीन आते हैं जिनके पास, जो उनके लिए आसानी के लिए ज़ियारतें बनाई गई हैं। और यहाँ पर तस्बीह और सजदा का भी इंतज़ाम किया गया कि जो और लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं, जानमाज है, चादरें हैं, किताबें हैं मौजूद हैं, ये लेडीज़ के लिए बहुत आसान कर दिया गया है। इमाम हुसैन इस्लाम की सैयद शहदा की ज़री का जो कारीगरी हमें बताई थी वहाँ पर, सेम यहाँ पर भी ऐसी कारीगरी की गई है कि आयतें लिखी गई हैं, शीशे का काम हुआ हुआ है, दरवाजा शीशे का काम हुआ हुआ है और हर खिड़की जो आप देख रहे हैं दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं मौला अब्बास की ज़री पर। मौला अब्बास की ज़री पर भी चारों तरफ इमामों, 12 इमामों के नाम लिखे गए हैं। और साथ में जब हम देखते हैं नीचे की, जब मौला अब्बास की ज़री नीचे की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि 12 इमाम के नाम लिखे गए हैं। आप जैसे कि अंदर देख सकते हैं कि मौला अब्बास की कब्र मुबारक पर पंजे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कब्र मौला अब्बास कब्र मुबारक पर दो पंजे हैं और कब्र मुबारक के ऊपर कुरान शरीफ रखा हुआ है। नाज़रीन, आपने जैसे कि देखे कि हर ज़री पर कुरान मजीद रखा हुआ है, यानी इसका ये मतलब है कि अहले बैत और कुरान ने कभी साथ नहीं छोड़ा, यानी हमेशा साथ साथ रहे और रहते रहेंगे। फिर आप देखते हैं कि जब मौला अब्बास की कब्र पर एक वेलवेट के का कपड़ा है जो कि सुनहरे से काम हुआ है और लिखा हुआ है या अबुल फजल अब्बास, और एक अमामा भी मौला अब्बास ज़रिए मुबारक पर एक अमामा भी रखा हुआ है जो कि निशानी मौला अब्बास, ज़रिए मौला अब्बास के ज़रिए मुबारक पर अमामा भी रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो वेलवेट का कपड़ा है उस पर सुनहरा काम हुआ हुआ है जो लिखा है या अबुल फजल अब्बास। फिर उसके बाद हम मौला अब्बास के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज़ियारत अब्बास लिखी हुई है और आप देख सकते हैं अब्बास लिखी हुई है। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किताबें हैं कि जो ज़ायरीन ज़ियारत पढ़ना चाहते हैं, दुआएं पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से किताब लेकर पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़ियारत अब्बास इंग्लिश में भी लिखी हुई है। इसी तरह से इस ज़री, ये जो रोज़ा बनाया गया है वो बिल्कुल करबला मौला की शबी है, यानी जो इंसान यहाँ आता है वो पुरसकून हो जाता है।
गुजारिश है कि अली टीवी देखते रहे और थोड़ी सी मदद अली टीवी की इजाज़त है सहमे इमाम हमें दे ताकि हम ऐसे प्रोग्राम्स आपके सामने पेश करते रहे। और हम शुक्रगुजार हैं पूरी अली टीम की टीम का भी और पूरे सिलवासा की उन टीम का जिन्होंने यहाँ पर हमें बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी मदद की और हमें हर छोटी से छोटी चीज़ से हमें आशना किया। शुक्रिया, वस्सलाम।